हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी 67th प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन 2021 के बारे में, कि इसमें कितना एज मांगता है और कितना एजुकेशन और क्या फी है, इसके बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट अप्रेंटिस या रेलवे अप्रेंटिस की ऑनलाइन प्रोसेस और इन सभी के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। जब आप फ्रेंड्स गूगल क्रोम ब्राउज़र के आ जाएंगे, तो वहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है bharatresult.com। सिंपली सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, भारत रिजल्ट भारत का। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी डिटेल्स आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, बीपीएससी 67वीं प्री परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपके सामने से पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि बिहार बीपीएससी 67वीं प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन 2021 दिया हुआ है, जो कि पब्लिश जो पोस्ट डेट है 24 सितंबर 2021 10:42 PM में था। और फ्रेंड्स इसका शॉर्ट जो देख रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। और फ्रेंड्स इसको जब स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर बिहार पब्लिश सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी 67वीं यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद आपकी जो फ़ी की बात की जाएगी, अप्लीकेशन फ़ी की, अगर जनरल ओबीसी आते हैं तो आपकी फ़ी रखी जाएगी 600, और उसके बाद अदर स्टेट से हैं तो भी अगर 600 रहेगा। और फ्रेंड्स एससी एसटी पीएच ईडब्ल्यूएस और बिहार, इन सभी कैंडिडेटों के लिए आपको फ़ी रखी गई है 150, और फीमेल ऑफ बिहार की है तो उनके लिए भी 150 है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, पेमेंट मेथड का जो दिया हुआ है, पे एग्ज़ाम प्री थ्रॉट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग फी मोड, मतलब इस तरह से आप पेमेंट को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अपॉइंटेड डेट दिया हुआ है, इसको देख लें कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ऑन जो है स्टार्ट होने वाली 30 सितंबर 2021 से, और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 5 नवंबर 2021 तक, और लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फी मानी कि पेमेंट करने की जो रहेगी वो आपको 5 नवंबर तक ही रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स प्री एग्ज़ाम डेट देख रहे हैं, प्री एग्ज़ाम का डेट जो है वो रहेगा आपकी 12 दिसंबर 2021, और एडमिट कार्ड की आने वाली मतलब नोटिफाई मतलब आएगी तो इसको बता देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम इन एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी किसी भी बोर्ड से आपकी इंडिया की रहनी चाहिए। उसके बाद ओनली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट, इसके लिए 5 फीट 5 इंच और चेस्ट जो है 32 इंच होनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम एज 21 लिखा हुआ है, और 22 ईयर्स पोज वाइज, और मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स यूआरएल मतलब जनरल, और फ्रेंड्स मेल के लिए है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि 40 वर्ष दिया हुआ है यूआर फीमेल के लिए, और इसमें मैक्सिमम एज दिया हुआ है बीसी मेल एंड फीमेल के लिए दिया हुआ है 40 साल। और फ्रेंड्स इस तरह से मैक्सिमम एज जो 42 साल भी दिया हुआ है एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स इसका अपना एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पहले इसके माध्यम से बताते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही बता दूंगा इसमें क्या क्या है। डिटेल्स वैकेंसी की बात की जाए, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम का दिया हुआ है, वेरियस पोस्ट अंडर 67वीं प्री 2021। जनरल के लिए 303 सीट है, और बीसी के लिए 102, और बीसी फीमेल के लिए 16 है, और ईबीसी के लिए 123, और ईडब्ल्यूएस के लिए 67, और एससी के लिए 111, और एसटी के लिए 7, और टोटल पोस्ट मिला के 729, यानी कि टोटल 729 पोस्ट पे सीटें इसकी वैकेंसी आई हुई है। चेक कर सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज कंप्लीट वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए है, जो मेल फीमेल जेंडर मेल फीमेल दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप सारे डिटेल चेक कर लेंगे, आप अपना जो भी आपको हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब स्कूल तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से सारे आप चेक कर सकते हैं, बिहार सेवा की सीट पोस्ट है, श्रम अधीक्षक,
इस तरह सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मिलती है, अच्छी जॉब होती है इसमें, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद कुल पुरुष की संख्या यहाँ पे दी गई है, टोटल कि कितनी किसकी है, टोटल फी है यहाँ पे देख सकते हैं, मेल 230, 81, 516। इस तरह से आप अपना सारे इसको चेक कर लेंगे और टोटल फीमेल के भी सीट चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको और भी डिटेल से जानने के लिए फोर कंप्लीट वैकेंसी डिटेल्स इन हिंदी में भी जान सकते हैं इस पर क्लिक करके। और फ्रेंड्स जब इस नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पे स्केल एंड मोड सिलेक्शन, तो आप पे स्केल की भी चेक कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेसेस की बात की जाए तो प्री एग्ज़ाम पहले होगी, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, इसके बाद इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे इस नोटिस जानने के लिए, और डाउनलोड सिलेबस के लिए इस वाले पे। और फिर इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वो 30 तारीख को हो जाएगा फ्रेंड्स। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जुड़े रहने के लिए। और फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट का जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सिंपली करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है आपको, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने आ जाएगी आपके सामने इंटरफेस खुल के। तो यहाँ पे आप दो देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचनाएं 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश, ये निर्देश इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन करने की विज्ञापन कैसे क्या करना है उसमें इसमें चेक कर सकते, दो दिया हुआ है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहले एक डाउनलोड करके मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस वाली की, इसको डाउनलोड करना है आपको। जब आप डाउनलोड करते इसको ओपन करेंगे, जब फ्रेंड्स आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि बिहार लोक सेवा पटना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो इसमें करना क्या है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है, आवेदक उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे, यानी कि आपको अंतिम तक रखना है। और साथ में आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में दिया गया है कि आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, मतलब कर सकते हैं। उसके बाद टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज के आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद रजिस्टर ईमेल आईडी और उसके आपके ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड जाएंगे। नोट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज के सबमिट बटन पर क्लिक करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरी गई विवरण मतलब सही है, ये आपको अपनी तरफ से चेक करें। उसके बाद फ्रेंड्स आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स अब थर्ड ऑप्शन है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से आवेदक, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको भी रीड आउट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स जब अगला प्रोसेस है आपके पेमेंट की, तो पेमेंट भी आप कर लेंगे उसी हिसाब से, इसे रीड आउट इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। तो इसको पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स इसकी सूचनाएं वाली वीडियो वो बैक आ जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने तो ये जाना ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, उसके बाद हम जानते हैं महत्वपूर्ण सूचना 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करते हैं जस्ट नाउ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना जो दिया हुआ है, इसका जो यहाँ से प्रकाशित निर्देशित होता है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ निम्नवत निर्देश दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ लेना है, देख लेना है, जान लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
और फ्रेंड्स इस तरह से अगला दिन के ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं माना जाएगा, मतलब गलत नहीं होना चाहिए आपको, जो भी बात एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। थर्ड में है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रिमिलियर्स रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मतलब आप अपने अगर मैरिज हो गया है तो आप अपने पति के नाम से वहाँ के एड्रेस नहीं डाल सकते, अपने पिता जहाँ से हैं घर वहाँ के आप डाल देंगे। फिर उसके बाद चौथी में आती है उप परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप में आरक्षण कोटि को सही सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अस्थायी दिव्यांग, ये तो हैंडीकैप के लिए हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से आप पढ़ लेंगे, लिया हुआ है पाँच छठा में, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11,687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विवाहित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी इसके संबंधित डॉक्यूमेंट होगा वो आपको उपलब्ध होना चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब कि आप इसमें EWS में अगर आते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आठवीं यदि निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में जो आपकी छूट मिल रही है फ्रेंड्स वो छूट मिलेगी, तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में कई प्रविष्ट को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको गलत भी हो जाती है तो 10 दिन तक कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार में कोई मतलब बाद में नहीं कर सकते, बस 10 दिन तक कर सकते। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उससे अगर मैच नहीं करती तो आपको निष्कर्ष कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस की वीडियो आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो भी मेरिट लिस्ट रिजल्ट आती है मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा, जिसके लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।